एक और अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब कंपनी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। निगरान हुकूमत ने भारी तनख्वाहें लेने वालों की तनख्वाहें बंद कर दी हैं, जबकि 1 जुलाई से किसी भी अफसर को 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह नहीं मिलेगी। तमाम प्रोजेक्ट कंपनियों में लाखों रुपये तनख्वाहें ना देने की काबीना ने मंजूरी भी दे दी है, जबकि किसी को भारी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, ऐसा कहना है काबीना का। काबीना ने मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब कंपनी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने भारी तनख्वाहें लेने वालों की तनख्वाहें बंद कर दी हैं। 1 जुलाई से किसी भी ऑफिसर को 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह नहीं मिलेगी। तमाम प्रोजेक्ट कंपनियों में लाखों रुपए तनख्वाह देने ना देने की काबीना ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है, जबकि किसी को भारी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसा कहना है महकमा खजाना पंजाब का। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग आसिफ मुसव्वर से। जी आसिफ मुसव्वर, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? पंजाब कंपनी के स्कैंडल में बड़ी पेशरफ सामने आई है। निगरान हुकूमत ने भारी तनख्वाहें लेने वालों की तनख्वाहें बंद कर दी है। 1 जुलाई में किसी भी अफसर को 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी। तमाम प्रोजेक्ट कंपनियों में लाखों रुपए तनख्वाहें ना देने की काबीना ने मंजूरी दे दी है। किसी भी अफसर को भारी तनख्वाह अब से नहीं मिलेगी, इस बात का फैसला कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया।